राजधानी देहरादून में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला का कहना है कि बीजेपी के सभी फ्रंटल मोर्चे को अब 2024 के लोकसभा चुनाव में लगाया जाएगा और बीजेपी के सभी फ्रंटल मोर्चे अब चुनाव के मोर्चे पर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, सभी मोर्चे के कार्यक्रम निर्धारित कर दिए गए हैं। वहीं जगह जगह केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों को लेकर सम्मेलन किया जाएगा और एक बार फिर बीजेपी प्रदेश में 500 सीटों पर जीत हासिल करेगी। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका है, हम एक संगठन आधारित पार्टी है, तो संगठन के तमाम फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे हैं, युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, अल्पसंख्यक मोर्चा है, ओबीसी मोर्चा है, स्त्री मोर्चा है, तमाम साथ के साथ मोर्चों के कार्यक्रम हमने लोकसभा वाइज, विधानसभा वाइज करने प्रारंभ कर दी। और कल ओबीसी मोर्चा की जो बैठक थी वो हल्द्वानी में थी, प्रदेश अध्यक्ष जी भी वहाँ गए थे, तो निश्चित रूप से ओबीसी मोर्चा भी बहुत महत्वपूर्ण अंग भारतीय जनता पार्टी का है। तो आने वाले समय में सारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के विधानसभा वाइज, युवा मोर्चा के हों, महिला मोर्चा के हों, अल्पसंख्यक मोर्चा के हों, सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे मोर्चे हैं वो मोर्चे में डटने वाले हैं। 2024 का किला भारतीय जनता पार्टी फतेह करने वाली है और 5-0 का जो रिजल्ट था पिछली बार, 5 भारतीय जनता पार्टी, 0 कांग्रेस, उस पर हैट्रिक लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी करने वाली है और हैट्रिक के लिए हम और उत्तराखंड की जनता तैयार है।